अभी अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि जो नीट यूजी की डेट्स है एग्जाम की वो रहेंगी 26 जुलाई। मतलब लगभग यहाँ से आपके पास 3 महीने और टू बी वेरी प्रिसाइज 82 to 83 days आपके पास है। तो अब अगर कोई भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट बिगाड़ता है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके ना पढ़ने की वजह से होगा। आपको बहुत सारी जगह से ये पता चल जाएगा कि डेट 26 जुलाई आ गई है। उसके बाद अब आपको यहां से क्या करना है, आपको अपनी फिजिक्स पे वर्क करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ बायो को पकड़ के नहीं बैठना है। सारे जो आपके टॉपिक्स छूटे हुए हैं उन पे आपको वर्क करना है और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यहां से आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि आप इस वजह से रिजल्ट खराब हो गया था या किसी और वजह से रिजल्ट खराब हो गया था, एक्सेप्ट इन केस किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसके बाद बिल्कुल भी ये उम्मीद मत करिए कि कट ऑफ लो जाएगा, कट ऑफ 560 से ऊपर ही जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से रखें। उसके अलावा मैं आप सब लोगों से ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, जैसे किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो वो आप हमारे हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल नीट मंत्रा या नीट मंत्रा नोट, जिनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनपे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या उनके थ्रू हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन भी टॉपिक्स में आपको डाउट है उन टॉपिक्स को हम अपने YouTube चैनल पे एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू।